ना मारिया क्या कर दिया पानी मारा कड़ा से पानी आख्या नहीं कोनी टीम लो सवाल है कोई व्यवस्था कौन लाइट का इंतजाम यानी वोल्टेज की समस्या है कम आवे आवे है लेकिन कम आवे है तो नया वर्गी है आए नाम तो मले पीसा खत्म बिमो ही कौन जान लाई रहने वो से प्रो लाइट से करके खड़ा हो गया कौन सो बिमो वीडियो देखो हैं वीडियो देखो चैनल है वीडियो देखो एको चैनल दिखई कोनी दिखे कौन से सही है तो इतनी गर्मी में मोदी का तो 15 लाख रुपया दे दूंगा मैं थाने कही है बासड़ा में कही थी 15 लाख की नमस्कार मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है चुनावी चर्चा का। आज मैं गांव धानोटी छोटी पहुंचा हूं और यहां चर्चा करूंगा यहां के ग्रामीणों से कि पिछले 5 साल में इस गांव को क्या मिला, कौन सी समस्याएं इस गांव में हैं और विकास कौन से हुए हैं, किस सरकार में ज्यादा विकास हुआ और कौन सी सरकार में कम विकास हुआ, और आगामी चुनाव में क्या रणनीति इस गाँव की रहेगी। आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। पिछले 5 साल की मैं बात करूं, सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक की बात करूं, क्या क्या विकास कार्य आपके गांव में हुए? सरपंच तो काम करवाए भाई, काम करवाए, ये सड़क बनवाई है और भी करवाया है, कुंड कांड भी बनवाया है, सरपंच तो करवाया है, लेकिन जो सरकार है ना वो अपनी तरफ से कुछ ही काम नहीं करवा रही। सारी रोड है वो सब टूटी पड़ी है, पानी की सुविधा पीने की भी नहीं है। टैंकर आते हैं यहाँ पर 1500 रुपए देता है टैंकर वाला, उसे काम चला रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ, मैं 2-3 गलियों में गया हूँ आपके, तो आप अपने भाषा में बात करा हिंदी ना। ये इंटरलॉक वाली गली कितनी की बन रही है गाँव में? इंटरलॉक वाली ये आड़त है सीधी पार हो गया है। अच्छा फिर आगे जाओगा आगे मोहल्ला में रिजन मोहल्ला में उड़ाई बन रही है, सब जगह बन रही है। हाँ और सारी कौन बन रही है? मतलब बढ़िया बना रखे हाँ, जो भी बनाए हैं वो बढ़िया बना रखे और जो पेंडिंग में पड़ी है वो पड़ी हुई है। यानी सरपंच को काम बहुत बढ़िया रहे था। सरपंच को काम बढ़िया रहे है, जो जतरा कड़ी कुंड कांड बनाए हैं और बनाए हैं। देखी थी, अब बताइए पानी की समस्या, पानी की समस्या वह कितनी सलाह है? पानी की समस्या तो कई दिन से ही चल रही है। अच्छा पानी को नहीं, पानी जर्मन स्कीम को आए कर दो वो बंद हो गयो, और उनके बाद में पानी की सुविधा ही खातर कोई नेता कणी कोई आवाज को नहीं उठाया, कणी सुनाई कौन करी, सब ने कही गई कोई आड़ सुनाई कौन करे, पीण को पानी कौन मिले, नीचे को धरती को पानी तो मारे खारो है। अच्छा नीचे तो कोई काट के पिए तो पी कौन सके, और टैंकर मंगवा के हरियाणा 6-7 किलोमीटर हरियाणा। कितना रुपया ले एक टैंकर वालों? एक टैंकर वालों 1000 रुपया ले। अच्छा इब मैं है गाँव के दूसरे चौक में पहुंचू, आठे भी आप बातचीत करने की कोशिश करांगा और आऊ पूछांगा कि गाँव में कौन सी समस्याएं। पिछले चौक में आप आ गया तो पानी की समस्या बताई और सरपंच को कार्यकाल बढ़िया बताए गए, हटे पूछने प्रयास करांगा और क्या समस्या है, पानी की समस्या बताई। पानी की भी है, लाइट की दो चीजें है हमारे। लाइट की कितनी के समस्या है, कितनी लाइट आवे? जमाई होने आवे महीनो 1.5 महीनो हो गयो, टीम लो सवाल है कोई व्यवस्था कौन लाइट का इंतजाम। यानी वोल्टेज की समस्या है, कम आवे आवे है लेकिन कम आवे है तो नया वर्गी है आए नाम तो मतलब पीसा दिन तू फायदे तो या फ्री सीकरी है नाम तो हम ही पीसा दे देंगा आराम हमारी सुनाई करके लाइट ही भेज दें। तो ये लाइट लाइट की है गांव में, ट्रांसफार्मर कितना है? 3 है। 3 है और 350 घर बताओ थारे गांव में, तो फिर भी वोल्टेज कम आ रहे कोई आ भी कोनी के कर रख कह तो मतलब या लाइन में खराबी है के है कमारे सब तो सरकार को काम है दिखाणो को और भाई एम समस्या के है धनोठी गांव में लाइट क्यों कोनी। तो एम एक कदी अधिकारी हूं थे बातचीत थारे गांव के मुखिया बातचीत कर कह दो मले आड़े मुखिया कौन आजकल यही सिस्टम होने आओगी तो आज यही ना होगी टाल हो जाएगी तो करी सरपंच तो झूठी बात है। अपने विधायक साहब है कहीं थी कौन करी को विधायक करी अब विधायक ने दिखे कौन विधायक आड़ी बैठे रोज क्या के तो बाबा तो सीजन आ रहे हैं उनको तो क्या नाम आड़ी बैठे हैं। अच्छा तो नियोरी में मान ली तो थाने के लगा है अब की बार चुनाव में गाँव की क्या रणनीति रहेगी? गाँव की बेरो ही कौन वो बात आई तो बुढ़िया कंधा उतर मीडो किन्नर लागो बेरो कोनी भी कहे लेकिन परेशान तो थे दिख रहे हो मने थे परेशानी कहो लेके लगा था ना के लगा अब की बार कौन सो जीता और किमी कौन बता सको बता कि कौन सका गोल गच्छा हो रही है सीधी बात है झूठ बोल रहे हम के भाई तो अब थे ना थे बताओ मने कमला कसवा जी को कार्यकाल देखो मनोज नांगड़ी को देखो थे और कृष्णा पुनिया जी को देख रहे और थे बहु पहले भी कईयां को देखो थाने सबसे अच्छो कार्यकाल कहो लाग्यो? हमने तो सारा ही ठीक लगा। ठीक लगे फिर वोल्टेज की समस्या थे बता रहे हो तो ठीक करे आप वोल्टेज तो आप आपकी दिखाऊं सारा आप आपकी दिखाऊं रहना तोड़ में परिवार वाली बात है इनको से कह दे अंद माड़ी अब तो आज गर्मी कितनी और गर्मी का माते कम वोल्टेज में शायद कूलर भी कौन चलता होगा
फिर रहो यार फिर अच्छा कितना है तो माड़ी कहा तो फिर भाई गलत नहीं आप वोट देके चुन के विधानसभा में भेजे बने तो बात उनने भी खुद ने सोचनी चाहिए खुद सोचेगा तो वो फायदो लेगो बने आके गांव का विकास और देखेगा लग रहा है गर्मी मलका और कोई जुगाड़ खोली पानी मंगा तो मैं 1.5 लाख को पानी गिरवा चुके 1.5 लाख रुपया को अच्छा कै साल की बात है कै साल में गिरवा के हमारा बंद हो तो इतना नहीं होंगे हमारा अपना बंद होया मेरा 2 साल हो गई अरे वो के किस इज्जत बंद हो गयो तो नहीं 1.5 लाख रुपये पानी मले गए हरियाणा तो गिरवा हाँ ये वोट दिया हमारे आड़े आरा आखिरी जहां पड़ा हुआ हरियाणा में गुदड़िया लाद के फिर हरियाणा में जोड़ देता अच्छा रहे पूरे ठीक है राज हरियाणा में 2000 तो पिलखंडा मिलेगा पानी पाओगे ससुराल लो सुको सुविधा तो उरे भी मुख्यमंत्री साहब ने चिरंजीव 25 लाख कर रखी है राशन पानी भी मिला है कोटे कोटे तो मिल दो बहुत लेकिन अपन तो किमी कौन मिला है अभी मैं गाँव में तीसरे चौक में पहुंचा हूँ और तीसरे चौक में कुछ बुजुर्ग मेरे साथ में है ये चौक पे बैठे मिल गया तो मैं चलो उरे भी पूछताछ करा क्योंकि एक चौक पे पार्टी विशेष लोग उसके हैं एक चौक पे व्यक्ति विशेष का लोग उसके हैं जो उसके नए बताओ समस्या और ज्यादा भी बता दे तो आठा भी अब पूछांगा कि पानी की समस्या बताई गेलड़े चौक में है कि थरका में पानी की समस्या है पानी की समस्या है बिजली की भी है बिजली में क्या समस्या है आवे ही कोनी आवे ही कोनी आओ जी बस बात की मुश्किल है हैं इतनी गर्मी में कितना थे दिन कट्टी करी गया माले कटवा मम्मी के काटा था चौकटी बैठी काटे थे करा गया सब दिन पड़े रहा ताश खेल जा बेचारा अच्छा तो इब के केला गया तारी सरकार है 4 साल में सुनी कौन सुनी हमारी कोई नहीं देती नहीं सरकार तो सरकार हमारा कोई 12 में कोई सच्चे कोई सरकार हमारी खड़े है तो तारी कौन सोचा गो राजगढ़ में कोई कौन सत्य मेरे हिसाब से रोटे अब की बार है ना राजगढ़ में और भी नया नया नेता रहे तीन तो मुख्य बैठे है जितना कसुआ परिवार है न्यांगली परिवार है और अपने विधायक जी आली का बैठे है और अब की बार और नया आ रहे है मैं देखू इन्हें श्याम सुंदर गागड़वास को बोर्ड भी लग रहे है अब की बार था निकल आ गया गाँव में कहेंगे माहौल निकले वो बेरो को नहीं गाँव में किसको माहौल है लेकिन समस्या भरपूर है समस्या का बहुत है अच्छा अभी गांव के मैं अलग चौक में पहुंचे हूँ आठे चर्चा आप अलग करांगा क्योंकि बहु पहले आप पानी की बिजली की शिक्षा की स्वास्थ्य की जो चर्चा है बापा तीन चौक हम लगभग कराया गाँव वालों के कहना बिजली बहुत कम आवे पानी आवे ही को नहीं और बाकी सड़क की सुविधा भी कमी बतावे तो आऊ बातचीत करना प्रयास करांगा आज एक नयो ताजा ताजा मामलो है आठे धानोठी में कि सीमा ज्ञान चल रही है सीमा ज्ञान चल रही है वो एक सुंदरिया परिवार यह कह रहे हैं कि मेरे घर के खिलाफ ही चल रहे हो अकेलो तो गांव वाला पूछांगा कि ये गांव वाला को मेरे बारे में क्या कहना है कि पूरे गांव को हो रही है कोनी हो रही हो या लड़ाई कहेंगी ही और कहेंगे ऊपर पड़ रही है थाने जो आप कई दिनों मुद्दों देख रही हूं मैं धानोठी के अंदर एक या जो गोचर वाली भूमि वाला विवाद चल रही है मेरे बारे में थारो क्या कहना है भाई मार्क यही कहना है कि या तो गोचर काटो ना हाँ। और काटो जब खेत की नोर की सारी बनी रुकी पड़ी है ये एक आदमी पर ध्यान दे कार्रवाई हो है तड़का वो एक मेरे पर करे है तो फिर मैं भी लपेटे में हूँ या फिर सारी सरकार ने काट देनी चाहिए भैया बाहर काटो ऐसा प्लाट बनाओ या कुछ समस्या को हल करना चाहिए तो थाने थारो कहना है साफ साफ किए तरह आप श्री में करेंगे तो गांव को खड़े खड़े भाईचारो खत्म हो आप भाईचारो खत्म हो है तो मैं क्यों आज उसका कोई न कोई पॉइंट उनके बारे में भाई मैं मेरे गलत लिखड़ जा तो सुंदरिया बुरो मानेगा या जन कर रखी है उसके बारे में लिखड़ जा तो भी मतलब भाईचारो खत्म हो है विवाद बढ़ेगो काम को मतलब थारो यो कहनो है ओवे तो कार्रवाई सारा पवन निटाल कर दे निटाल कर दे सही बात है हां हां सदियों पुरानी बात है जब बूढ़ा बडेरा बैठा करता है घर है गांव में घर है 150 होया करता मांगो एक भाईचारा हो जो आप श्री में एक दूसरे का मुसीबत के समय पे आप श्री में एक साथ खड़ा होया करता लेकिन आज घटे न घटे जब या वादी बड़ी है और गोचर में कब्जा होया है तो कटे न कटे आप श्री को विवाद है वो पैदा हुआ है और गांव वालों को कहना है कि सरकार ने है वादी बढ़ानी चाहिए अभी भी सरकार के पास समय है थारे गांव में जब सरकार आई अपनी कांग्रेस की बहुत सा वादा करया पूरा होया कोनी होया ना ना बिल्कुल एक भी वादा पूरा वादा पूरा कोनी है आ जाओ आ जाओ आप आ जाओ पानी को थो पानी को पूरा होए ने बोले पानी ले दिया न्यू कर दिया तो पानी को भी कोनी है तो यो बिजली बिल्कुल टीम लो आ बस पंखो नहीं घूमे घूमे खराब माटी हो रही है बिजली गंते
सरकार का मैं हालत गंभीर से गंभीर है। तो कौन सी सरकार अच्छी करेगी? सरकार जो आवर हमने पहले तो पानी को वादो करियो, फिर तामी न्यू बताओ 100 ग्राम के ऊपर आबादी बदी, और ये पहले 100 वोटा के ऊपर आबादी बदी, आज हो रहे 1100 वोट, उनने सरकार मारेगी क्या? बिल्कुल फांसी तोड़ेगी। कहना था अभी सरकार कहना यो है की आबादी बताओ रास्ता काटो। अच्छा, क्योंकि वो लगातार थर गांव में विवाद चलते रहे, मैं कई तरह देखने लग रही हूँ कि जो गोचर में है मकान है बांग ऊपर कठिन कठे प्रशासन को पंजो चालना की नौबत आस का ईसो काम हो रही है हो रहे है। तो ये गांव के विवाद में जगह की कमी के कारण है। तो सरकार उम्मीद सरकार तो उम्मीद यह को समझौतो करके सूत्रधार रास्ता काटो और गांव की आबादी बताओ। मैं देखियो है कि थरगांव में बिजली की पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। एक सड़क की मैं जिक्र कौन करियो अभी तक खड़े भी मैं मेरा मुंह में बोलियो सड़क किसी के आसपास के गांव जोड़ने वाली सड़क किसी यहाँ से किसी किसी के दुम की जमा हमारा मेन रस्तो है और कच्चो है और साधन भी नहीं निकले और मेन रस्तो है राजगढ़ को। तो सरकार का 2 महीना लगभग ये बच रहा है, बेमाद आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या उम्मीद थे सरकार? सरकार तो यही उम्मीद करा है सरकार तो यो काम बननू मुश्किल है। तो आगे के अपने राजगढ़ की राजनीति की बात करूं, थे कार्यकाल है तीनों देख लियो, बीजेपी को देख लियो, बसपा को देख लियो, ते कार्यकाल देख लियो, कांग्रेस को देख रहे हो, तो थाना सबसे अच्छे कौन सा लगे? हमने तो भाई जो सरकार काम करे ने वही अच्छी लागे, ई कौन सो बतावा कदे कोई किमी करवा दे थोड़ा बहुत काम करवा दे जित भाई वह सरकार अच्छी लागे। पर यो जो सही मुद्दा ने ये मारे कोई लाइट की व्यवस्था को नहीं, टाबर सारी रात गर्मी में रहे। ये जो अभी मैं देखो जिक्रो लाइट को करियो और हर चौक में लाइट को जिक्रो मिलियो, मैंने तो मैं बताना चाहूँ कि अठे जो बच्चा है जो हरियाणा क्षेत्र के जो बॉर्डर के नजदीक लगा है वह बच्चा है पढ़ाई में बहुत अव्वल है और बने लेट रात तक यानी कि अध्यापक है तैयारी करे नीट की भी तैयारी करे बने बहुत लेट रात तक कम से कम 10-10, 12-12 घंटा पर बच्चा ने पढ़ना पड़ रहा है और गाँव वाला कहे कि लाइट आड़े बिल्कुल बत्ती गुल है यानी ट्रांसफार्मर 3 जरूर है लेकिन वोल्टेज की कमी है पर वोल्टेज की कमी है तो बच्चा जो पढ़े बांगे पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है? पढ़ाई के साहब 100 मत है और 60-50% टॉप नंबर आने लग रहे हैं। हाँ, और न्यू पढ़े कौन सा लाइट है कौन? आगे के लागे थाने अभी की बार जो राज सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र है मैं 3 तो मुख्य 4-5 और भी उठने लग रहे हैं तो कौन सो काट के ले जाओ? मैं साहब बेरो कोनी पब्लिक पर बात है कौन सो बढ़िया काम करेगा और कौन सो मन अच्छा गली मोहल्ले में चौकमा पकड़ा थाने 1-2 महीना बाद में नेता अड़खड़ा मिलेगा सारा ही मिलेगा तीनों तो बड़ा बड़ा मिलेगा और फिर हमने अगला सन बिठाऊंगा फिर क्या कहेगा थे अमीन युकांग अल्ले भी चीज तो चीज ही है हमने कदे बैठे रहे कौन था एसी में और विधायक के है चीज है पर मारे पास बन जा कौन है उन दिन मारा मारा को पजीतर गैलरी सीट पर कौन बिठा है? तो खड़े ना खड़े आप दुख है दर्द है बहुत बड़ा दर्द है कि नेता आपने सुना ही को नहीं दुख दर्द तो बताऊं कितनों से तामी जाए आगे बात पूछा तो जो तो से ठीक है बिल्कुल मैं को थाने ये चैलेंज करूं नहीं ये तू जो मैं बोल लियो ने ये खड्डे में बात गैर की जा ना ना लगाई है ये मेरा वीडियो देख लियो आठे का विधायक पूर्व विधायक विपक्ष का नेता सारा तक वीडियो जाकर और कमेंट भी आऊंगी मारे उरे कृष्णा और कहेगा ये थारा जानकार है कांग्रेस का विपक्ष का एज थारे बुलाओ थे ये मन जानोगे कौन जानू मैं थारा नाम कौन जानू ने पूछो अभी तक तू मन्ने कौन जा रहा मैं और मैं ये खास खास तन बात बता दी और उनका मैं खड्डे में ना गेर की जाइए ना खड्डे में कोने ऊपर तक पहुंचाऊंगा ये बात पक्की गेलो तहिर कृष्णा तहिर तो जरूर पहुंचा भाई मैं गेलो तक की गारंटी को उन्होंने विधायक आपरे कृष्णा पुनिया तक मालन तो रोज ही बताऊं कृष्णा पुनिया तक मैं बता रही बात जरूर आप पहुंचा दियो मैं समस्या यही है मैं तो लाइट न पानी न कोई मारे किसानों को जो वादा करा था वो वादो और हमने तो जम्मा था जम्मा रद्दी की टोकरी में गिर रखे है यह भी सुनना मैं कि रोया बिना तो बच्चे ने माँ भी दूध कौन पियाते कदे विधायक जी कितनो रोवे रो की थूक सूख जाए पूरा रोना मना कर रोवा कर ले मैं ये भी रोऊं तू फोटो तड़के गिर दे के मैं फोटो तलन लाग रहा थारो रात में 9 बजे वीडियो आ जाएगो हां वीडियो कृष्ण मारिया क्या कर दिया पुरानो चाहिए देख लो विधायक जी देख लो लोग आपका कमेंट भी करेगा नीचे ये मेरा कोई जानकार को नहीं ना मैं अनजान व्यक्ति लेकिन खड़े ने खटे और वोट दिया था ना और दुख है दर्द है क्योंकि अभी बच्चा की पढ़ाई वह ठप हो रही है आपकी वजह क्योंकि गांव में लाइट कौन मिलने लग रही बत्ती गुल है जटे 220-240 वोल्टेज की लाइट आनी चाहिए बटे 100 में आपको काम चला रहा है और कुछ लोग इतनी गर्मी का भीषण गर्मी चूरू की सबसे तेज भीषण गर्मी का माँ ये कतरा अटा आपका घरा रह रहा है खड़े ने खड़े सवालिया निशान सरकार पर ये लोग खड़ा कर रहे हैं ये रोने मजबूर है क्यों रोने मजबूर है क्योंकि आपके कार्यकाल में जो विकास होना चाहिए था किसी न किसी तरीके से इस गाँव को विकास नहीं मिला ये लोगों की
खुद की निजी राय है, इन्होंने आरोप आप पर लगाए हैं। आप कहीं ना सोच लीजिए, दो तीन महीने और बचे हुए हैं आचार संहिता लगने से पहले, हो सकता है इस गांव का विकास हो। समस्या सुनो बस यही है। अच्छा, पानी की जो समस्या है ऊपर चर्चा करना, तो कुछ मैंने और भी ग्रामीण मिले पाऊ भी बातचीत करा, पानी की समस्या बहुत ज्यादा बता रही थी गाँव में, क्यों क्या कारण है? के कारण के है पानी की मारी कमी की वजह है या के कमी रही थारे में? कमी रही है, हर घर गवे दे कनेक्शन कर लियो, आगे पानी कौन जान दियो, ए वजह ते मतलब पानी बंद कर दियो, न कि मतलब कोई गांव के मतलब नाम लिए दियो, अगला पानी ना जाओ बेचारा के करा झूठा रो थोड़ो थोड़ो। गांव में कितना अवैध कनेक्शन फिलहाल है? अवैध कनेक्शन कम से कम भी होगा तो 50-60 है। तो अवैध कनेक्शन आगे बातचीत करूँ तो कभी सरपंच साहब गौर कौन करी या फिर ऊपर तक प्रशासन तक या बात पहुंचाई को नहीं? प्रशासन तक पहुंचा दी, कृष्णा आई आड़े जिक्र करियो, बोले प्रशासन भेज दियो हूं, तामी नाम बता दियो, नाम कोई बतावे को नहीं, बंदूक में लखवा पड़ सकते खड़न खड़े न्यू कौन लगे की जितना आपने देखो आप पड़ोसी है दोनों, मन ने कह दे की तारे के लाम बोल जाऊ, अपनो भाईचारो खत्म को नहीं हुआ तरह, अपनो भाईचारो खत्म की खातिर नाम कौन ले रहे तो बटे खड़े खड़े प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन करनी चाहिए, प्रशासन कार्रवाई करी कौन करी कोई कौन करे बिना बताए, प्रशासन कहे घर जाबड़े को बिना शिकायत बिना कोई मुद्दों ही नहीं पूछो आगे से बताओ कड़ा होगी। लेकिन सरपंच साहब की बातचीत करने को सरपंच साहब घर घर फिर के हमी शेती था आगे जाके न कोई नाठ जार कोई हम लुड़ती करा आगे उठाई, यानी कटन कटे या गांव की अपसरी की कमी रही जे कारण पानी कौन मिला, अपसरी की कमी के वजह थे। और सरकार थरगा में काम करियो कौन करियो? सरकार तो इसी कर दाई है ठेठ सिंह कोई काम है, विशेष कुल सिंह को राम सिंह आलियो, कमला आली, नंदलाल आलियो, इंदर आलियो और कृष्णा थोड़ा बहुत ये तहसीलर ये बनवा दी। अच्छा। और सरकार की मैं कौन मोदी का है तो 15 लाख रुपया दे दूंगा मैं, थाने कही है भाषणा में कही थी 15 लाख की, हाँ मिले हर आदमी का कह के एक पीस आयो हो तो 20,000 लाख करोड़ रुपया कोरोना काल के टाइम में हमें एक पैकेज दियो तो। अच्छा, क्या गरीब आदमी ने मिलो हो तो बता दियो। तो मोदी सरकार तो कहे की कोरोना काल में राशन बांटियो फ्री में, नहीं राशन तो दे दियो 5 किलो दाना है, पेट पड़ गया है, नहीं आप भी छाड़ा 5 किलो दाना 80 करोड़ जनसंख्या मिला, 80 करोड़ जनता ने मिला, 80 करोड़ 80 करोड़ ने तो मिला, पर वो 15 लाख आरोप पैकेज वो 15 लाख हर आदमी का खाते में गे रहे थो, वो खाता भी खुलवाया था उन्हें। अच्छा थे वो खाते 15 लाख खतरी खुलवाए, नहीं मैं इतना पैसा आऊंगा बंद हो जाओ खातो, वो खतरी खुलाए तो बोले दे तो कोई कोई मच्छर है तो बीमो ही कौन जोड़ना ही रहने, वो सेट्रो लाइट से करके खड़ा हो गया, कौन सो बीमो कौन मिले था ना तो फसल कोई कोई 21 को मिले उनको 22 को मिले ने वोट आवे 6 महीना बाद में कैन जवाब दोगा थे? मैं तो सारा जवाब दूंगा दोगा, मैं तो सारा जवाब दूंगा, मैं तो कौन सा न्यूज दिखा थोड़ी बहुत किसान ही मदद करे हूं दूंगा वोट, किसान ही मदद कौन कर रहे फिलहाल, ये तो कामरेड या कर रहा है तो कामरेड चुनाव में उठेगा पक्का, और कितना वोट मिलेगा पहले किमल को जो मिलने को डर लग गया है बटर के वोट पानी है कि तारा पानी लगे पानी मारे कड़े से पानी आंखा नहीं को नहीं न्यू पे पानी कितना साल हो गया पानी आए ने कितना साल हो गया थरगा में पानी आए ने मारी साल हो गया गई साल तो खटू लाओ पानी दे गढ़ाऊं गड़म जावा कड़ा कहेंगे गुंजा सब तो गिरवा दे सर और मंडे से दुखी होता तो पिलशन पालशन मिलेगे पिलशन के पिलशन मिले 700 रुपया पिलशन का तो 700 है राजस्थान में तो हरियाणा में ज्यादा नहीं है थाने मिला है पिलशन हां मिला है कौन वाले पिलशन मिला थाने तो 1400 रुपया तो सीधा ही गया और लाइट फ्री कर दी सरकार है 200 यूनिट फ्री कर रखी है 200 यूनिट फ्री है भाग गए होंगे छोटे तो फ्री हो जाएंगी हां आ गए होंगे 100 यूनिट फ्री अच्छा दिन तो कभी आओ भाई 2 महीना बाद आओ तो अच्छा दिन का है अच्छा दिन आओ मोदी तो ले आयो अच्छा दिन आओ अच्छा दिन बहुत बड़ा जायो सत्रो लाइट है सो तो बिमो देन मांग रहे है 70% सत्रो लाइट है 30% प्रॉपर्टी कटिंग से करो कटिंग वालों हां आ जाओ थे भी आ जाओ कने वो नहर वालों के रहे नहर वालों नहर नहर खा गया एक तो राम सिंह खा गयो रे किंदर खा गयो।